जा रही हूँ घर की सब्जी खरीदने पहली बार, तो देखते हैं सब्जी में क्या मिलेगा मुझे। मैं खरीदने आई हूँ सब्जी, तो अंकल आप बताओ मुझे क्या खरीदना चाहिए। तो अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे क्या खरीदना चाहिए, तो ब्रेक के बाद बताती हूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए। आप बताओ मुझे क्या खरीदना चाहिए। जो चाहिए जो ले लीजिए आप। अंकल मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। यहाँ पे सब्जी में लेके आ चुकी हूँ आलू, शिमला मिर्च। मम्मी मुझे कह रही काटो। अरे हटो, इतना काम करते सब्जी ला के देती पर बहुत है। तो हनी मुझे एक फोन सजेस्ट कर रहे हैं कि मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए। हनी कब लगेगी सेल? सेल चलेगी दो मई से Amazon पे भी फ्लिपकार्ट देगी। मुझे नहीं लेना, बुआ को लेना। हाँ जो भी है सेल डिस्काउंट मिल जाएगा। वन कार्ड पे, कोटेक पे, किसी भी कार्ड पे डिस्काउंट मिल जाएगा। कब मिलेगा? दो मई को। तो ठीक है, अभी तो है टाइम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बता दियो है। और तेरी बीवी ठीक है? सब बढ़िया। और वो छोटा बच्चा? बहुत मस्त चल रहा है। कांग्रेचुलेशन हनी, तुम्हारे घर में एक छोटा बेबी आया है, बेबी बॉय। नाम क्या उसका? अभी नाम नहीं निकला, अभी जाएंगे पंडित वहां जाएंगे, अक्षर करवाएंगे, तो फिर नाम करना होगा। ठीक है। यहाँ पे मयंक आ चुके हैं और मेरे लिए सैंडविच लाए हैं, क्योंकि मैंने इनको सुबह बोला था कि आ जाओ अगर फ्री हो तो। तो ये फाइनली आ गए सैंडविच लेके। तो यहाँ पे गुड्डू आ चुके। इधर लेट क्यों है? तू नहीं बोल रही, कुछ नहीं होता। पहले बताओ नहीं लेट क्यों है? कहाँ पहले? तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आ गए। तो टिकट करा लो तुम लोग। यहाँ पे आ चुके मयंक के मिलने। ये कल नहीं आया क्योंकि कल सुनील जी जाए मुझसे मिलना। किसका है ये तुमका इंतजार? मैं हूँ ना। और ये जो मेरा पति है, मैं इनको 2 बजे फोन करती हूँ, सो रहा हूँ, काम से आया हूँ, मैं थक गया हूँ, ऐसे कैसे चलेगा? मैं पहले तो हम हफ्ते में 2 बार मिलते थे, अब तो मिलते भी नहीं। हम हफ्ते में 4 बार मिलते हैं। झूठ है ये सब, कोई 4 बार नहीं मिलते। ये आते हैं अभी बस 4 मिनट निभाने आए हैं मेरे साथ। अभी बस पूछ रहे क्या हुआ ये वो। अब फिर थोड़ी देर में मुझे कहेंगे प्रियंका मैं घर जा रहा हूँ। ऐसे क्यों करते थे जल्दी बताओ क्यों? देखो मेरे क्वेश्चनों को ये फालतू कह रहे कि जवाब नहीं है। अब आप गाइस खुद बताओ, बंदा परेशान। पतला लग रहा मैं इतने दिनों से खाना नहीं खिला रही ना उनको, क्योंकि पतले हो गए हैं। बस भगवान ना करे ऐसी बीमारी किसी को मिले। हम दोनों बहुत अलग हो चुके हैं। ये अपने घर रहते हैं, मैं अपने घर रहती हूँ, क्योंकि डायलिसिस जो होते हैं ना वो मेरे घर के पास होती है और इनके घर से दूर होता है, और मैं इतना सफ़र नहीं तय कर पाती कि मैं डायलिसिस करवा लूँ। इस वजह से मैं कहते कि यही रहो। और यहाँ के लोग, यहाँ के लोग इतने गंदे। मैं बता नहीं सकती। अरे वो जब मैं जो आंटी आती है ना वो वहाँ से, वहीं से वो आंटी, उसके साथ कोई आता है। अब तू मेरे साथ आएगा नहीं, मैं अकेले कैसे करूंगी? मैं अकेले ऑटो कराने भी जाऊँ? उस दिन तो बताया ना मैंने, एक दिन बचा लिया तो एहसान कर लिया हमने। यहाँ पे मयंक जी के लिए हम लाए हैं खरबूजा। ये वैसे बैंगलोर से मंगवाया है स्पेशल मैंने इनके लिए। तो गुड्डू जी आप इसे खा लो। और दीपू कुछ खाएगा? चाप वाप तो खत्म हो गया, नहीं तो क्या दोबारा नहीं ला सकते क्या? तो यहाँ पे अभी हमने चाप खाई थी, ठीक थी। मुझे टेस्ट यार पता नहीं क्या हो गया मुझे आजकल, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो गुड्डू काट दो। तो यहाँ गुड्डू मेरे को खरबूजा खिला रहे हैं, हालांकि मुझे ये सब नहीं खाना। थोड़ा सा टेस्ट करेंगे,
टेस्ट में बेस्ट मम्मी, और आगे कुछ नहीं बताएंगे हम क्या। तो कटाओ भी रख पड़ता है वहीं पहले। आई डोंट नो। तो यहाँ पे इतने स्टाइल से ये काटेंगे और हम खाएंगे। गाइस मुझे ना कई दिन से खांसी हो रही है, अगर आपके पास कोई देसी नुस्खा हो तो प्लीज़ मुझे बताना मैं इसे कैसे ठीक करूँ, क्योंकि मैं दवाई ले लेके थक गई हूँ, दवाई मेरे असर ही नहीं हो रही है। प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मैं अपनी हल्की फुल्की खांसी कैसे ठीक करूँ। और मयंक को मैं कब से बोल रही हूँ कि शॉर्ट्स वीडियो बना लो, बहुत दिन हो गए हमने वीडियो नहीं बनाई। तो ये लड़का कह रहे हैं कि अभी नहीं मैं नहीं बना रहा। यार इनको ना मुझे बोलना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है। तो मयंक अभी आप घर चले जाओगे क्या? रुकना पड़ेगा तुम्हें, रुकना पड़ेगा। मैं रोकूंगी, मैं गाइस आज इनको रोक के रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं नहीं खा रही। पकड़। नहीं खा के बताने कैसे मीठा है। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है। मयंक रात रुक रहे हैं कि चलो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रुक जाता हूँ। आपको कुछ कहना है? घूम नहीं रहे क्यों? क्यों पक्का? तो मेरी मालिश कर दोगे पैरों की? मेरे दर्द हो, देख लो जनता, आप देख लो मना कर रहे हैं, साहब मना कर रही है, कर रहे हो? देख लो जनता, ये साहब मना कर रहे हैं कि मैं मालिश नहीं कर सकता, मेरे को मालिश करना बहुत जरूरी है, कर दो मयंक। नहीं कर दो, देख लो ये लाइव लाइव मना कर रहे हैं, तो ये आगे क्या करेंगे मेरे लिए? मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता ये मुझे ठीक कर पाएंगे। मैं फिर एक दो महीना और जी लूँगी, उससे ज़्यादा क्या करूँगी। फिर जल्दी बोल मालिश कर रहे नहीं कर रहे। चलो फिर मैं अभी दवाई लेकर आता। तो देख लो जनता, ये मेरी मालिश नहीं कर रहे पैरों की, मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है। ये अपने मैच में ध्यान दे रहे हैं, मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे।